जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आलमीक से ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। परमपिता परमेश्वर माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप और आपके परिवार हमेशा खुशी मंगल रहे, यही कामना करता हूँ उस निरंकार रूप को। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि शरीर को रक्षा कैसे करते हैं और रक्षा घेरा कैसे करते हैं और किस विधि से करते हैं और किस मंत्र से करते हैं। आपको यह रक्षा करने के लिए आप इसको किसी शुभ दिन में आप जो है इनको पढ़ करके जो है याद कर लें कंठस्थ, और उसके बाद में जो यह मंत्र जो गुरु धरित्र पद्धति का है और इस मंत्र को विशेषतः विशेष सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको कंठस्थ याद हो जाएगा तब इसको जो है आप मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें कोई विशेष नहीं, जो गुरु धरित्र पद्धति के बारे में जानते हैं उनको तो जानकारी होगा ही बिल्कुल, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए है। इनको आप याद करके और फिर उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। शुभ दिन में इसको हमेशा उच्चारण करते रहना चाहिए। इस मंत्र को आप जब भी कोई भी विशेष सिद्धि करते हो या फिर कोई साधना करते हैं उस समय इस मंत्र का जो सुरक्षा घेरा करना, शरीर को बांधना, ये परम आवश्यकता है। इसके बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगर बिना सुरक्षा कवच घेरा के आप कोई कार्य करते हैं तो जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आपके मन को शरीर को इसे कुल नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हमेशा कोई भी सिद्धि कोई भी साधना करने के समय में आप रक्षा विधान मंत्र बिल्कुल जरूर पाठ करें, उसके बाद ही कोई साधना क्रिया को करें। आप जब भी कोई भी साधना के लिए बैठते हैं उस समय जो आप गणपति का पूजन करेंगे, गुरु का पूजन करेंगे, सरस्वती का पूजन करेंगे, उसके बाद में फिर आप जो है इस कवच का, इस रक्षा मंत्र का पाठ करेंगे। इस रक्षा जो मंत्र को आप जो है सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं शरीर बांधने का मंत्र। एक मंत्र है जो आप शरीर भी बांध सकते हैं और आपका सुरक्षा घेरा भी बांध सकते हैं। शरीर रक्षा के लिए मंत्र मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां आप देख करके इसको जो है नोट कर रहे हैं। तेल बांधो तिलई बांधो, तिल के बांधो कीरा, सात नाम से शरीर बांधो, राखो हनुमत बीरा। इस मंत्र को जो है आप 3 बार पढ़ के अपने शरीर में पढ़ के फूंक देंगे, उसके बाद जो है आपका शरीर बंध जाएगा। उसके बाद आप शरीर के बंधन करने के बाद में आप जो है स्थान को भी आपको बांधेंगे तो आप यही मंत्र से आप जो है घेरा लगा सकते हैं। घेरा याद रखना, यहाँ पे आप बैठे हैं तो आपको यहीं से गोल घूम करके इस तरह से आपको घेरा लगाना हो। घेरा लगाने के लिए जो है लाल कुमकुम या सफेद चंदन या लाल चंदन हो, कुमकुम से आपको घेरा लगाना हो। हाथ से आप रख सकते हैं, तो हाथ से ये घेरा कहीं पे कटा ना हो, पूरा गोल होना चाहिए, पूरा ऐसे घूम करके आपको बोला के बाहर से आपको यह घेरा नहीं करना है। आपको वहीं बैठे बैठे घूम करके इस तरह गोल आप यहाँ से नहीं तो वहाँ दूर से भी लगा सकते हैं। इस तरह यह घेरा मंत्र होगा। घेरा मंत्र पढ़ते समय भी यही मंत्र आपको पढ़ेंगे। तेल बांधो तिलई बांधो, तेल के बांधो कीरा, सात नाम से शरीर बांधो, रखो हनुमत बीरा। मोर बांधे मोर गुरु बांधे, ईश्वर माता पार्वती के बांधे से बंधा जाए, वज्र के बांधा जाए, जबे छोड़ू तभी छुट बे। इस तरह आप बोल करके तेल बांधो तिलई बांधो, तेल के बांधो कीरा, सात नाम से शरीर बांधो, राखो हनुमत बीरा। मोर बांधे मोर गुरु बांधे से जबे छोड़ू तभी छुट बे, मोर बांधे ले बंधा जा। इस तरह आप बोल करके 3 बार करके आप रेखा घेरा मंत्र बना सकते हैं। और उस तरह उसके बाद में अब जिस आसन पे बैठा हूँ उसके बांधने के लिए, अब इस आसन को बांधने के लिए फिर मंत्र पढ़ेंगे। आसन बांधो पासन बांधो, औठाट धरती ले बांधो, मोर बांधे मोर गुरु बांधे, ईश्वर महादेव पार्वती के बांधे से बज्र बांधा जाए। तो इस तरह यह 3 मंत्र हुआ। तो आप इस मंत्रों को आप पढ़ करके जो है शरीर बंधन पहले, फिर उसके बाद में घेरा, फिर आसन बंधन, इस तरह संपूर्ण बंधन मंत्र हो गए। यह सिद्धों का वाचा मंत्र है, इसको
को पढ़ने मात्र से आपका शरीर कवचमय हो जाएगा। और इसको खोलने के लिए सबसे पहले आसन को खोलना, जहाँ पे बान्हो शब्द आया हो उसको छोड़ो शब्द लगा देंगे, तो अब जो है आपको यह बंधन टूट जाएगा। जैसे आसन छोड़ो, पासन छोड़ो और छोड़ो ठाड़ धरती ले छोड़ो, मोह छोड़े मुगु छोड़ी स्वामी पार्वती छूटे, मोह छोड़े ले आसन बंधन छूट जा, ये बोलेंगे। उसके बाद में आप जब यह घेरा को बंधन को तोड़ेंगे, ठीक है, आप बंधन को तोड़ेंगे उस समय आप बोलेंगे, तेल छोड़ो तेल वही छोड़ो, तेल के छोड़ो कीरा सात नाम से शरीर छोड़ो, छोड़ो हनुमत वीरा, मोर छोड़े मोर गुरु छोड़ाए, मोर छोड़ा ले सब बंधन छूट जा, या घेरा बंधन छूट जा, इस तरह बोलेंगे तो छूट जाएगा। उसके बाद आप शरीर को छोड़ाएंगे तो उसी तरह जहाँ पे बांधने का शब्द है छोड़ने शब्द कर देंगे, फिर वो बंधन छूट जाएगा। इस तरह यह संपूर्ण जो है आपका शरीर और घेरा रक्षक मंत्र। एक बात विशेष करके ध्यान रखना, घेरा मंत्र पढ़ने जब बांधोगे तो कुमकुम से या फिर सफेद चंदन से या लाल चंदन से ही घेरा लगाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को जहाँ जिन जानकारी चाहिए मंत्र तंत्र के बारे में, तो यह मंत्र गुरु विद्या से सीखा हुआ है, गुरु से सीखा हुआ है, इसके बारे में आगे जाकर मैं सब जानकारी दूंगा। तो अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल बेल आइकन को प्रेस करना, आल सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो उसकी जानकारी आपसे सबसे पहले मिल सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।